हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, सर्दियों में आपने देखा होगा कि लोगों के होंठ जल्दी सूख जाते हैं या होंठ फटने लगते हैं। उन्हीं होंठों की सुंदरता बढ़ाने के लिए आज हम आपको कुछ छोटे छोटे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने होंठों की सुंदरता वापस ला सकते हैं। सर्दियों में खुश्की से होंठ फट जाएँ तो उस पर ज़रा सी मलाई भर हल्दी मिलाकर धीरे धीरे आपको अपने होठों पर लगानी है। इससे आपके होठ चिकने और मुलायम होते हैं। होठों को फटने से बचाने के लिए सरसों का तेल या गुनगुना घी आप नाभि पर लगाएं, इससे भी आपको फर्क महसूस होगा। होठों पर पपड़ी जमने पर नाखून या दांत से कभी भी ना नोचें और कोशिश करें कि मुँह से सांस ना लें। मुंह से सांस लेने से भी होठों पर पपड़ी पड़ जाती है। बादाम रोगन लगाने से पपड़ी दूर होकर मुलायम आपके होठ रहेंगे। होठों के कालेपन को दूर करने के लिए गुलाब की पंखड़ियों को पीसकर उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर नियमित रूप से होठों पर लगाएं, और याद रखें उस दौरान आपको अपने होठों पर लिपस्टिक नहीं लगानी है। ये नुस्खा आपको 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल करना है। कुछ ही दिनों में आपको इसका फ़र्क नज़र आने लगेगा। इसके अलावा दही के मक्खन में केसर मिलाकर होठों पर मलने से होठों की लाली आती है। तो दोस्तों, ये 3-4 छोटे छोटे नुस्खे हमने आपको बताए हैं, जिन्हें आप सर्दियों में इस्तेमाल करके अपने होठों की लाली और सुंदरता बढ़ाए रख सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।